8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आइए बात करते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में जिनकी मिसाल दूसरी महिलाओं के लिए मशाल बन रही है। हैदराबाद की अरुणा बी रेड्डी जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अरुणा ने मेलबर्न में हुए जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अरुणा जिम्नास्टिक्स के अलावा कराटे में भी माहिर खिलाड़ी हैं। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अवनी ने MiG-21 बाइसन अकेले उड़ाकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि भारत के अलावा दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और पाकिस्तान में ही महिलाएं फाइटर पायलट बन सकती हैं। भारत सरकार ने साल 2015 में महिलाओं को फाइटर पायलट नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। विदेश में पढ़ाई लिखाई करने वाली श्रद्धा भंसाली ने वहां की नौकरी छोड़कर भारत आना पसंद किया। श्रद्धा ने मुंबई में आकर एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहां जो सब्जियां पकाई जाती हैं, वो सब्जियां इसी रेस्टोरेंट में उगाई भी जाती हैं। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने 30 Under 30 की लिस्ट जारी की थी, जिसमें श्रद्धा का नाम भी शामिल किया गया है। भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया का एशिया कप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनके प्रदर्शन को देखते हुए फोर्ब्स इंडिया ने 30 अंडर 30 यंग अचीवर्स में सविता को चुना है। 39 साल की अरुणिमा पटेल आई जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अरुणिमा ने एक विश्वसनीय मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सर्विस की शुरुआत की है, जिससे रोगी के शरीर में इन्फेक्शन के कारण का सिर्फ 4 घंटे में पता लगाया जा सकता है। फोर्ब्स ने देश की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में अरुणिमा का नाम शामिल किया है।